वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का अजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर का जायजा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के इजरा के बाद वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की वन ऑन वन मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं, IMF की शरात मानने के लिए आवाम पर बोझ डालना पड़ता है। कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी पब्लिक करने की तकरीब से खिताब। मुशीर कौमी सलामती मौईद यूसुफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आम शहरी का तहफ्फुज़ रियासत की तरजीह होगी। कौमी पॉलिसी से दीगर शोबों की पॉलिसी भी बेहतर होगी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पाकिस्तान के खिलाफ है। अददी बरतरी तो टेलीफोन ने पूरी कर दी, लेकिन मिनी बजट पर बहस तो हो सकती थी। इस हुकूमत ने मईशत की चाबी किसी और के हवाले कर दी। IMF सुन ले, तमाम बिल रिवर्स किए जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा वजीर खजाना शौकत तरीन हर हुकूमत में रहे। खुरमदस्तगी ने कहा, एक साल में महंगाई 22% बढ़ चुकी है, इस हुकूमत को IMF की परवाह है, अवाम की कोई फिक्र नहीं। शुबा महंगाई से लोगों को मुजाहरों पर उकसाया जा रहा है। कौमी असेंबली में बजट को बुलडोज किया गया। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का सेनेटर इजलास में खिताब, कायदे अवान सेनेटर शहजाद वसीम का भरपूर जवाब, कहा अपोजिशन की तमाम धमकियां गैर मौसर साबित हुई, इजलास पीर तक मुलतवी। मुल्क में महंगाई अरूज पर, हुकूमत के मुताबिक सब अच्छा है। PTI का इकतदार रेत के घर की तरह गिर रहा है। हमजा शहबाज की लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुखालिफिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जाम लगाने वाले को इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया, इमरान खान को भागने नहीं देंगे। अपोजिशन की किस्मत में रोना ही लिखा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है, नाकाम तरीन अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए उस्मान बुज़दार की तैयारी की सियालकोट में लैंडिंग, जिला इंतजामिया ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। 2023 का इंतखाब नून लीग और जद्दारी ग्रुप का आखिरी इंतखाब साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तेलाफ़ फवाद चौधरी का दावा, ट्वीट में कहा पार्लिमानी अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लिमान से मुकम्मल बाहर हो गए। शरीफ फैमिली करप्शन में मुलव्वस, इन्होंने बेनामी अकाउंट से पैसे वसूल किए। 14 बेनामी अकाउंट होल्डर्स शरीफ फैमिली के मुलाजमीन हैं। मुश्तर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले केसेस में आज तक शहबाज शरीफ ने सवाल का जवाब जमा नहीं कराया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अफजल मिनुल्लाह के साकिब निसार के ऑडियो क्लिप के तहकीकात के लिए फॉरेंसिक एजेंसी तजवीज़ करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, फॉरेंसिक का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। दिमाग दिए, तारीख वाकई तलख है, जजेस ने माजी में चीज़ों को तस्लीम किया। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने इतवार को शारा फैसले मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत एहतजाज खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, ओखला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का खदशा, कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। शाहरुख जतोई समेत दीगर बासर कैदियों को जेल के बजाय अस्पताल में रखने पर एक्शन, जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जान बहा, मरीज खुद चलकर अस्पताल आया, चेकअप के दौरान हालत बिगड़ गई और दम तोड़ गया, लवाहिकीन का इल्जाम। मुश्तर लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर धावा बोल दिया, जेल रूट पर एहतजाज, डॉक्टर्स ने एहतजाजन एमरजेंसी में काम बंद कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने लगे, एक रोज में 3,567 नए केसेज रिपोर्ट, शरह 7.36% रही, मजीद 7 अंबा। कराची में मस्बत केसेस की शरह 28.8% तक जा पहुंची। पंजाब में ओमिक्रोन के 30 नए मरीज रिपोर्ट, सिर्फ लाहौर में 27 वायरस का शिकार। वैक्सीन जरूर लगवाएं, एहतियात करें। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से अपील।